नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं क्राउन टाइम्स ब्रेकिंग न्यूज की खास खबर। इस वक्त हमारे साथ है एनडीआरएफ डीआईजी मनोज कुमार शर्मा। आज की प्रेस वार्ता का उद्देश्य क्या रहा है? आज की प्रेस वार्ता का उद्देश्य ये था कि हम आप सब के माध्यम से यहाँ के निवासियों को, जो हमारा कार्य क्षेत्र है उसके जो निवासी हैं, नागरिक हैं, उनको ये विश्वास दिला सकें कि हमारी जो टीम है, हमारी जो बटालियन है, वो किसी भी आपदा से निपटने के लिए पूर्णतया सक्षम है, पूर्णतया तैयार है। और अगर कोई आपदा आती है तो लोगों के बीच में भ्रम और भय की स्थिति उत्पन्न ना हो। आज की प्रेस वार्ता का यही उद्देश्य था कि हम अपनी गतिविधियों से आप सब लोगों को अवगत करा सकें। आने वाले समय में एनडीआरएफ के सामने किस प्रकार की चुनौतियां हैं, उसका आप कैसे मुकाबला करेंगे? चुनौतियां तो बहुत सारी हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं कि जिस तरीके से बहुत ही एक इरेटिक पैटर्न हो रहा है बारिश का, कि एक लंबे स्पेल तक बारिश नहीं होना, कभी एकदम बारिश हो जाना, और जो पृथ्वी का टेम्परेचर बढ़ रहा है हर साल, तो उससे भी बहुत सारा पूरा जो हमारा पर्यावरण है वो डिस्टर्ब हो रहा है। तो जब इस तरीके की स्थिति उत्पन्न होती है तो कोई उसके बारे में भविष्यवाणी नहीं कर सकता कि किस तरीके की, कि कहीं हो सकता है बहुत तूफान आ जाए, कहीं बड़े बड़े जो वहाँ पर साइक्लोन होते हैं वो बन सकते हैं, या और कई तरीके की हीट वेव, कहीं एकदम बाढ़ आ गई, कहीं एकदम सूखा पड़ गया। तो ये चैलेंज तो होता है, लेकिन हम हर चैलेंज से, हर आपदा से सीखते हैं। और आपदा में शामिल होने के बाद जो हमारी टीमें लौटती हैं तो हम एक डिब्रीफिंग सेशन चलाते हैं। तो उस डिब्रीफिंग सेशन में जितनी सारी चीज़ें होती हैं उनका पूरा ध्यान रखा जाता है और आगे और इम्प्रूवमेंट किया जाता है। डीआईजी साहब, पिछले दिनों प्रधानमंत्री मोदी ने आपकी टीम को सराहा है, बुलाकर उनसे मुलाकात की, वो क्या अवसर था और आप प्रधानमंत्री जी को क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने हमारी जो सेवा थी उसको एक्सेप्ट किया और उसको संज्ञान में लिया। तो ये हमारे लिए बहुत ही एक बड़ा हौसला अफजाई थी, एक बहुत बड़ा फख्र का समय था कि समय जब हमारी टीम तुर्की गई थी तो वहाँ से सक्सेसफुली अपने ऑपरेशन करने के बाद जब भारत वापस आए थे तब प्रधानमंत्री जी ने अपने आवास पर हमारी टीम को आमंत्रित किया था। उसमें हमारे श्वान दल के भी सदस्य थे। तो हम सभी लोगों की तरफ से हम माननीय प्रधानमंत्री जी के बहुत ही शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने इस तरीके से हमारे टीम के सदस्यों को प्यार दिया, सम्मान दिया और अपने आशीर्वचन देकर हम सबको अनुग्रहित किया। क्राउन टाइम से बातचीत करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमें अपनी बात कहने का अवसर दिया। बायोलॉजिकल, रेडियोलॉजिकल, न्यूक्लियर इमरजेंसी में भी किसी तरीके का गैस का रिसाव होगा या किसी तरीके की कोई न्यूक्लियर आपदा आती है तो उसके लिए भी हमारे पास यहाँ पूरी सक्षमता है, इक्विपमेंट और एक तरीके की आपदा है जिसमें हमारे जो आगे की वो एड है, जैसे कि बड़े बड़े जो जंगल में आग लगती है उसमें भी जो जंगल विभाग है, जंगलात विभाग है, उसको भी मदद करते हैं। जैसे कि हाल ही में दिल्ली में आपने सुना होगा कि बाढ़ आ गई थी, यमुना में पानी काफी बढ़ गया था, तो यहाँ से तुरंत दिल्ली के लिए और फिर हमने अपनी सेवा वहां पर भी हमने अपनी सेवा दी थी। अगर कोई आपदा हुआ तो हम लोग चले गए, उसके बाद अगर आपदा या मिट गई तो क्या करते हैं, तो हम दूर दूर पर काम करते हैं। ऐसे समय पर हमारी टीम में जा रहे हैं,
की पे हम अपने बहुत ही कठिन जो हमारा तंजीम है तो उसके तहत अपने कार्यक्रम को हम प्ले करते हैं और दूसरा नाम हमारा अवेयरनेस का अवेयरनेस के तहत हमारा सबसे बड़ा फोकस है सरकारी एजेंसियां और बच्चे हमारा प्रयास रहता है कि ज्यादा से ज्यादा स्कूल वगैरह पूरा कराए बच्चों को जो कि आज के बच्चे घर के भविष्य के नागरिक हैं तो हम चाहते हैं कि इन आपदाओं के बारे में इन आपदाओं को कैसे बचाया जाए कैसे आपदाओं के बारे में इंफॉर्मेशन दी जाए उसके तहत हम प्रयास करते हैं कि ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक अपनी पहुंच बनाए और उनको छोटी छोटी ट्रिक्स और छोटी छोटी चीजें अभ्यास कराकर उनको बताया जाए बात
और आने वाले समय में अलग अलग जो बाहर से आने वाले श्रद्धालु है जो यहाँ पर बाबा काशी विश्वनाथ जी का दर्शन करते हैं, उनको लेकर आते हैं, उनके सेवा में भी हमारा एक कैंप चल रहा है। बिल्कुल बाबा काशी विश्वनाथ मंदिर का जो कैद है, तो हमें यहाँ पे एक चीज का उल्लेख करना चाहूँगा, उल्लेख है कि अक्सर हमारे साथियों के द्वारा पूछा जाता है कि आप कौन से कपड़े ले जा रहे हैं, अभी कौन क्या ला रही है। तो मेरा मानना यह है कि जो भी मानवीय प्रबंधन होता है भारत सरकार का ये संगठन है, तो हमारी कोशिश रहती है कि हम जल्दी से जल्दी उन उपकरणों को अपने बेड़े में शामिल करें। लेकिन मेरा मानना थोड़ा अलग है कि मैं कहने का मशीन ये ज्यादा जरूरी है। हम कुछ भी इक्विपमेंट ले आए, कैमरा भी है, आप मुझे देखिए कुछ रिकॉर्ड भी नहीं कर पाऊंगा, चला भी नहीं पाऊंगा। अगर कोई ट्रेन होगा तो ये कुछ इससे कितनी खूबसूरत फिल्म बना लेगा या कॉन्टेंट बना लेगा। तो उसी सिलसिले में हमने अपने कार्मिकों को भारत के प्रमुख संस्थान है उसमें ट्रेनिंग के लिए भेजा। जैसे हमारे जो कि ड्राइवर्स है उनको हमने कोलकाता पुणे बच्चों को इस तरीके के टेम्पलेट भी देते रहते हैं, कर रहे हैं, और हमारा उद्देश्य है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को जागरूक करें। इस विषय में फिर आपने जो यहाँ कार्मिक है मेरे साथी उनसे अनुरोध करूंगा कि वो आपको इसके बारे में भी कैसे बताया जाता है। जैसे जानवी है तो वो 3 घंटे पहले आपको बता देता है कि किस इलाके में आकाशीय बिजली की घटना होनी है। तो आकाशीय बिजली से भी बड़ी मात्रा में लोगों के हजार होने की खबर है, और कई जगह बहुत बड़ी मात्रा में पशुधन भी हमारा उसे हस्तगत हुआ है। तो मैं चाहूंगा कि आप लोगों के माध्यम से ऐसे ऐप की जानकारी लोगों तक पहुंचे, और हमारा उद्देश्य है कि आप घर से कम जनधन और हमारे माध्यम की हानि हो। इस उद्देश्य के लिए हमारी ये सदन का निर्माण हुआ है, और हम अपने कर्तव्य में सफल आप सब लोगों का सहयोग हमेशा अपेक्षित करता है और भी मिलता है। तो ये रहे एनडीआरएफ डीआईजी मनोज कुमार शर्मा। क्लाउन टाइम्स यूट्यूब चैनल की खबरों को आगे भी देखने के लिए चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस जरूर करें। क्लाउन टाइम्स की खबरों को फेसबुक पेज पर देखने के लिए पेज को लाइक जरूर करें।